बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्क वज़ाइफ टीचर चैनल के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने और सुनने वाले खैरियत और आफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और हाज़रीन, हमारा आज का खास अमल अल्लाह ताला का बहुत ही खास और मुबारक नाम है कि जिस नाम को सिर्फ और सिर्फ आप 41 मरतबा आप पढ़कर आसमां की तरफ फूंक दोगे तो अल्लाह तबारक ताला इतनी दौलत से नवाज देंगे कि लाखों की आपके सामने कोई हसीयत नहीं रहेगी। यानी रिस्क जो आने जाने की चीज है, आपके हाथों में 24 घंटे महफूज रहेगा। इस बाबरकत अमल के बाद अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रिज्क की तंगदस्तियों से निकाल कर दौलत के खजानों से नवाज देगा। इस मुख्तसर अमल से जितनी भी इस्लामी बहने भाई मायूस हैं, जिनके पास रिज्क की तंगी है, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जल्द ही उनकी जिंदगी खुशहाली में बदल जाएगी। इस खास इस्म की वजह से अल्लाह तबारक ताला आप पर इतना करम फरमाएंगे कि आपके सामने हजारों लाखों की कोई हसीयत नहीं रहेगी। बड़े बड़े करोड़पति लोगों का ये राज रहा है वजीफा, लेकिन आपने इस वजीफे को राज नहीं रखना। आपने इस वजीफे को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है ताकि तमाम मुसलमानों की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो सके। तमाम मुसलमान इस मुख्तसर और बाबरकत अमल से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। नाजरीन, सबसे पहले आपने वजीफा करने से पहले चंद एक बातों का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने बावजू हालत में ये अमल करना है और उसके साथ साथ नमाज पंजगाना अदा करनी है, कुरान पाक की तिलावत को रोजाना का मामूल बनाना है, फजर की नमाज के बाद अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे वो 2 से 3 आयात पर भी मुश्तमिल क्यों ना हो। थोड़ी सी कर लें, एक रकू कर लें, एक सफा कर लें, लेकिन आप कुरान पाक की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह आपके रिज्क में इतनी ज्यादा बरकत होगी कि आपको कभी भी पैसों की कोई शिकायत नहीं होगी। नाजरीन, आपने बावजू हालत में किबला रुख होकर खड़े हो जाना है और खड़े होकर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला का बहुत ही खास और मुबारक नाम आपने 41 मरतबा पढ़ लेना है। इस्म क्या है? अल बारियो। अल्लाह ताला का खास इस्म है अल बारियो। अल बारियो लफ्ज को 41 मरतबा आपने पढ़ लेना है और पढ़कर आसमां की तरफ फूंक मारकर आपने अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने अपने गुनाहों पर शर्म महसूस करते हुए अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी मांगते हुए निहायत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दोनों हाथों को फैलाकर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी और इंशाअल्लाह तबारक ताला रिज़्क के हलाल में इतना इजाफा होगा कि आपके सामने लाखों की कोई हसीयत नहीं रहेगी। नाजरीन, इस मुख्तसर अमल से इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको जरूर फायदा हासिल होने वाला है। आप ये मुख्तसर अमल जहां कहीं भी बैठे हैं उसी वक्त शुरू कर दें और खुद ये अमल करके जब फायदा आपको पहुंचे तो इस अमल को राज नहीं रखना है, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है ताकि तमाम मुसलमानों की भलाई हो सके। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुसलमानों का हामी और मददगार हो। इजाजत चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखियेगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।